हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी जयप्रकाश यूनिवर्सिटी जाने का मन था, जिसको जेपी यूनिवर्सिटी बोला जाता है, छपरा सारण में है। तो वहाँ का आज ब्लॉग देने का मन किया, तो वहाँ का आज पूरा एक्सप्लोर करके आपको बताते हैं क्या है कैसा है। तो जो भी मेरे को नॉलेज है उसके बारे में आपको हम बताते हैं, और अभी चलते हैं डायरेक्ट जेपी यूनिवर्सिटी की तरफ। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, अभी फटाफट रेडी होकर निकलते हैं। तो अभी फाइनली जेपी यूनिवर्सिटी, जो कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय, जो कि छपरा सारण में स्थित है, तो अभी पहुंच चुके हैं। और ये फ्रंट गेट आप लोग देख सकते हैं, और ये मेरा फर्स्ट लुक। तो अभी चलते हैं अंदर की तरफ और इसके बारे में कुछ नॉलेज देते हैं आपको। तो ये जिसका ग्रेजुएशन इसमें 4 साल में होना चाहिए, इसमें 6 से 10 साल लगता है। और इसमें टीचर की संख्या 750 होनी चाहिए, जबकि इसमें 300 टीचर हैं, बाकी के पद खाली हैं। और ये जयप्रकाश सर का स्टैचू देख सकते हैं, जो कि एक संपूर्ण क्रांतिकारी थे। ये मुजफ्फरपुर से बेसिकली निकल के ये छपरा सारण में स्थित हुआ, और बाकी के 2 जिलों में इसका मुख्यालय है, गोपालगंज और सिवान जिले में। और इससे रिलेटेड काफ़ी महाविद्यालय हैं, जैसे कि तो राजेंद्र कॉलेज, जगदम कॉलेज, जयप्रकाश महिला कॉलेज, गंगा सिंह कॉलेज, नंदलाल सिंह कॉलेज और भी बहुत सारे हैं। तो अभी ये देख सकते हैं जेपी यूनिवर्सिटी का, जयप्रकाश विश्वविद्यालय का कैंपस, ये काफ़ी बड़ा है। और इसमें क्रिकेट और फुटबॉल टीम का मैच भी होता है, अदर प्लेयर भी खेलते हैं अदर जगह से, जो कि छपरा सारण में स्थित है। और ये बैठने का भी व्यवस्था बनाया गया है। तो ये कैंपस का पूरा व्यू, ये फुटबॉल का बैरिकेड। तो अभी जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के अंदर आ चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हैं अंदर तो काफ़ी अच्छा बना पड़ा है, लेकिन यहाँ का व्यवस्थापक जो भी हैं वो ठीक ठाक से नहीं रखते हैं, और यहाँ के टीचर में भी कमियाँ हैं। विद्यार्थी को हमेशा दिक्कत परेशानी, कभी रजिस्ट्रेशन तो कभी मार्कशीट तो कभी क्या तो कभी क्या। और ये अंदर आप देख सकते हैं, ये शिक्षक को रहने के लिए और जितना भी फैसिलिटी होना चाहिए सब कुछ दिया है सरकार ने, लेकिन यहाँ के कोई व्यवस्थापक कुछ काम नहीं करते हैं। ये देख सकते हैं इनके ऑफिस के अगल बगल पूरे साफ सुथरा, और ये सोलर प्लेट और भी बहुत कुछ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।